breaking news. सहसवान हाफिज इरफान सदस्य जिला पंचायत ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय भारत सरकार द्वारा उप जिलाधिकारी सहसवान जनपद बदायूं को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि विगत दिनों भारत सरकार द्वारा देश में नए कानून नागरिकता संशोधन बिल CAB NRC स्थापित करने की एकता अखंडता व भारत की गंगा जमुनी तहजीब को प्रभावित करते हैं। यह कानून धार्मिक भेदभाव दर्शाता है। इस कानून में मुस्लिम अधिकारों का हनन किया गया है। यह कानून मौजूद भारत सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से बनाया है। उन्होंने कहा यह कानून भारतीय संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाता है। CAB NRC के खिलाफ मुल्क भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के विद्वान चिंता व्यक्त करते हुए इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा कि वह माननीय महामहिम से अनुरोध करते हैं कि हिंदुस्तानी जमहूरियत के सदर का फरीदा अंजाम देते पुनः विचार करें, ऐसे काले कानून को स्वीकृति प्रदान ना करें। इस मौके पर सहसवान पुलिस प्रशासन SP देहात डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह, विगत दिनों भारत सरकार द्वारा देश में नए कानून नागरिकता संशोधन बिल CAB NRC स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके अनेक बिंदु भारतीय संविधान और भारत की एकता अखंडता व भारत की गंगा जमुनी तहजीब को प्रभावित करते हैं। ये कानून धार्मिक भेदभाव दर्शाता है। इस कानून से मुस्लिम अधिकारों का हनन है। ये कानून मौजूदा भारत सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से बनाया है। ये कानून भारतीय संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाता है। CAB NRC के खिलाफ मुल्क भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के विद्वान चिंता व्यक्त करते हुए CAB NRC का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अतः प्रार्थीगण माननीय महामहिम से अनुरोध करते हैं कि हिंदुस्तानी जमहूरियत के सदर का फरीजा अंजाम देते हुए पुनः विचार करें और ऐसे काले कानून को स्वीकृति प्रदान ना करें जो भारतीय संस्कृति को मजरूह करता हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग शांति के साथ पुरमन तरीके से अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। ठीक है जो मुफ्तिया ने इस्लाम हिंदुस्तान ने हम लोगों को ये हुक्म दिया है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर पुरअमन तरीके से शांति के साथ इस कानून का विरोध करें, मुजाहरा करें, इसके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराएं। आज मुसलमानों ने सहसवान जामा मस्जिद शहबाजपुर पर इमाम साहब कारी खलीकुर रहमान कादरी बरकाती मददुल्लाहुल आली की कयादत में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कैब यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल, इसके खिलाफ हमने मेमोरेंडम तैयार किया है जो सदर जमहूरिया के लिए है। इसको हम उप जिलाधिकारी सहसवान के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे। उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ तशरीफ भी ला चुके हैं। मैं आप लोगों से ये वालेहाना गुजारिश करता हूँ कि अपने मुल्क के कानून से जो हमारे अजदाद ने हमें बताया था कि कभी जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पे खड़े होकर हमारे अजदाद ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बंटवारे के वक्त हम लोगों से कहा था, हमारे बुजुर्गों से कहा था कि मुसलमानों इस मुल्क को छोड़ के कहीं न जाओ, ये मुल्क तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से सींचा है, ये कुतुब मीनार, ये लाल किला, ये ताजमहल तुम्हारी अमानतें हैं, इनका हिफाजत तुम्हारा जिम्मा है, ये दरगाह है, ये मस्जिद, ये मंदिर, इन सब की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। मुसलमानों इस मुल्क का मुस्तकबिल तुमसे पूछ कर लिखा जाएगा, ये हमारे अजदाद ने हमसे कहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमसे कहा था, हमारे बुजुर्गों ने उस पर अमल किया और हम सब हिंदुस्तानी थे और आज भी हिंदुस्तानी हैं। हमने अपने मुल्क के कानून को मंजूर किया, हमने अपने मुल्क से कानून को संविधान को प्यार किया, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। मगर हमारे ही कानून ने हमारे ही प्यारे मुल्क के कानून
कानून ने, हमारे प्यारे संविधान ने हमें ये ताकत दी है, हमें ये कानून दिया है कि आपको जब कोई चीजें खराब लगे, जब हुकूमत की कुछ चीजें खराब लगे तो उनका एहतजाज करो। बाबा एक कौम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बिल की, एक कानून जो उनको पसंद नहीं था, उसकी काबी फाड़ कर उसका खिलाफ उसका मुजाहरा किया था। बाबा बाबा